नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, राजेश टंडन, ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। आज हम DAG 05 के बारे में बताएंगे। DAG 05 5 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहला, पादप प्रजनन का परिचय। दूसरा, बीज और अनुवांशिक शुद्धता। तीसरा, बीज प्रमाणीकरण और अनुवांशिक रूप से संशोधित। चौथा, बीज संसाधन। पांचवा, बीज भंडारण एवं बीज विपणन। ब्लॉक एक का पादप प्रजनन का परिचय। खंड परिचय। बीज प्रौद्योगिकी का प्रमुख अभिप्राय खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि तथा पादप प्रजनन की अवधारणा एवं नरबंधता वांशिकी परिणाम। बौद्धिक संपदा अधिकार का अधिकार किसान अधिकार के रूप में जाना जाता है। अतः प्रस्तावना स्वरूप प्रस्तुत इस खंड में बीज प्रौद्योगिकी के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना प्रस्तुत की गई है। खंड एक, पादप प्रजनन का परिचय। खंड एक में चार इकाई है, चार भागों में बांटा गया है। इकाई नंबर 1, अवधारणा प्राकृत और पादप प्रजनन की भूमिका और योगदान, भविष्य की संभावनाएं। इकाई नंबर 2, पादप प्रजनन के संबंध में अनुवांशिक जनन की विधियां और असंग जनन। इकाई नंबर 3, स्वनिषेचता और नरबंधता, अनुवांशिक परिणाम, कृषक विकल्प। इकाई नंबर 4, सहभागी, पादप प्रजनन, बौद्धिक संपदा अधिकार, पादप प्रजनन और कृषक अधिकार। इकाई 1, बीज प्रौद्योगिकी की अवधारणा प्राकृतिक और पादप प्रजनन का योगदान, प्रमुख उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं। पौधे के प्रजनन की प्रकृति, कला को मानवीय कल्पना, रचनात्मक और कौशल की व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है, जो व्यक्तिपरक व्याख्या और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत विज्ञान अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और व्याख्या के वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का संग्रह है। वस्तुनिष्ठता इसका सबसे बुनियादी और अपरिहार्य गुण है, लेकिन जब उपयोगी उत्पादों या सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और या मानव कौशल और सरलता का उपयोग किया जाता है तो हम प्रौद्योगिक के क्षेत्र में चले जाते हैं। शुरुआती दिनों में पादप प्रजनन गतिविधियां मुख्य रूप से इसमें शामिल व्यक्तियों के कौशल और क्षमताओं पर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे अनुवांशिकी और साइटोजेनेटिक्स के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया, प्रजनन विधियां और कार्यक्रमों को उनके प्रयास में डिजाइन किया गया, फिर भी वांछनीय पौधों का चयन विशेष रूप से एक और एक के दोलन काफी हद तक ब्रीडर के कौशल और निर्णय पर निर्भर रहता। जैसे कि काश में बीज सेट की सफलता होती है, हालांकि सभी पादप प्रजनन गतिविधियों का लक्षण चाहे वह किसी
व्यक्ति के कौशल पर निर्भर हो या वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, हमेशा एक बेहतर फसल किस्म विकसित करना होता है या उत्पाद उन्नत किस्में अंतः किसानों द्वारा व्यवसायिक खेती के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए पादप प्रजनन को उचित रूप से एक तकनीकी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह उपयोगी उत्पाद यानी उन्नत फसल किस्मों का उत्पादन करता है। पादप प्रजनन के अवधारणा। पादप प्रजनन के का उद्देश्य एक भी फसल के उन सभी लक्षणों में सुधार करना है जिनके सुधार से उसकी मानव के लिए उपयोगिता बढ़ाती है। इसके प्रमुख महत्वपूर्ण प्रजनन उद्देश्य फसल विशेष पर निर्भर होते हैं। पादप प्रजनन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं निम्न: अधिक उपज, हाई यील्डिंग। अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास प्रत्येक फसल में हमेशा ही प्रजनन के मुख्य उद्देश्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। दूसरा, गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। किसी भी फसल में उत्पादन की गुणवत्ता, क्वालिटी उपभोक्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। गुणवत्ता वाले लक्षण हर फसल में अलग अलग होते हैं, जैसे गेहूं में रोटी तथा डबल रोटी बनाने की गुणवत्ता, दलहनों में प्रोटीन अंश, तिलहनों में तेल अंश और तेल में तेल की गुणवत्ता, चावल की पाक गुणवत्ता, कुकिंग क्वालिटी, फलों का अमाप, साइज, आकार, रंग, स्वाद आदि। तीसरा, रोगी एवं कीटरोधी। रोगों एवं कीटों से फसलों की हानि हो रोकने के लिए रोधी किस्मों का उपयोग अत्यंत निरापद एवं महत्वपूर्ण है। नई किस्मों का रोग रोधी एवं कीट रोधी होना उनके विमोचन के लिए आवश्यक शर्त है। रोधी किस्मों को उगाने से उत्पाद अधिक एवं स्थिर होता है। चौथा, शीघ्र पकना। अधिकांश फसलों में जल्दी से पकने वाली किस्में अधिक उपयोगी होती है। धान की जल्दी पकने वाली किस्मों के कारण ही धान गेहूं फसल चक्र संभव हो सका है। अरहर की उत्कृष्ट एवं पकने वाली किस्मों को विकसित करने का प्रयास जारी है। पांचवा, प्रकाश असंवेदिता। किसी फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए प्रकाश असंवेदी किसी किस्मों का विकास आवश्यक होता है। प्रकाश असंवेदी किस्मों के कारण ही धान की खेती पंजाब में तथा गेहूं की खेती पश्चिमी बंगाल में संभव हुई। छठवां, अन्य लक्षण। पौधों के अन्य लक्षणों जैसे तल शाखन, तल सर्पी, ऊर्ध स्वरूप, बौनापन आदि में सुधार भी महत्वपूर्ण होता है। धान व गेहूं की बौनी किस्मों के विकास से उनकी उपज बहुत वृद्धि हुई। सातवां, एक साथ पकना। कुछ फसलों जैसे मूंग की फलियां एक साथ नहीं पकती। इन फसलों में एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास आवश्यक है। आठवां, विसरण। विसरण न होने वाली किस्मों का विकास मूंग जैसी फसलों में काफी उपयोगी होगा। नौवां, निर्धारित स्वरूप। फसलों जैसे अरहर, कपास आदि में निर्धारित वृद्धि वाली किस्में अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में की अपेक्षा उपयोगी होती है। दसवां, प्रसुप्ति। कुछ फसलों जैसे मूंग, जौ, गेहूं आदि में प्रसुप्ति एकदम नहीं होती, अतः पकने के समय बरसात होने पर उनके बीज या फली में ही
अंकुरित हो जाते हैं। इन फसलों में थोड़ी प्रसुप्ति वाली किस्मों का विकास महत्वपूर्ण है। 11 नई ऋतुओं के लिए किस्में। कुछ फसलों को अब नए मौसम में उगाया जा रहा है, जैसे गर्मी में मूंग, रबी व गर्मी में मक्का आदि। इन फसलों की नए मौसम में अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 12 सूखा एवं लवण सहिष्णुता। भारत की अधिकांश लगभग 70% खेती असिंचित और बहुत सी भूमि में लवणों के अधिकता इन क्षेत्रों के लिए सूखा एवं लवण सहिष्णुता किस्मों का विकास आवश्यक है। 5 प्रजनन का योगदान। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर भारतीय गन्ने का उष्णकटिबंधीय गन्ने सेकेरम ऑप्सेरम से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया। भारतीय गन्ना बहुत अधिक कठोर, बहुत कम उपज व बहुत कम रस वाला होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय गन्ना बहुत अधिक कोमल, बहुत अधिक उपज, बहुत अधिक रस व बहुत कम रेशे वाला होता है, जिसका तना मोटा व छिलका मुलायम होता है। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों लाभार्थी गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए इन दोनों के मध्य संकरण कराया गया। इस प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोबिलाइजेशन कहते हैं। अर्धबौनी किस्मों का विकास डेवलप। धान में डी ग्रो जीन टेक्निक नेटिव 1IR8 इन तीनों किस्मों में निम्न गुण पाए जाते हैं। 1 नहीं गिरने वाली, 2 अधिक उपज देने वाली, उर्वरक प्रतिक्रियात्मक, 4 प्रकाश असंवेदी। 2 गेहूं में कल्याण सोना, सोनालिका इन दोनों किस्मों में निम्न गुण पाए जाते हैं। नहीं गिरने वाली, 2 अधिक उपज देने वाली, 3 उर्वरक प्रतिक्रियात्मक, 4 कंड प्रतिरोधी, 5 प्रकाश असंवेदी। कपास में संकरण किस्मों का विकास। सीटी पटेल के द्वारा गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय के सूरत केंद्र पर गोसिपियम हर सिस्टम की 2 किस्में के मध्य संकरण कराकर H4 किस्म विकसित की गई। कपास की अन्य संकर किस्में गोदावरी, सावित्री, वारालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, 4 ज्वार बाजरा व मक्का में संकरण किस्मों का विकास। ज्वार में CSH1, CSH11, CSH12, CSH11। बाजरा में PHB 10, PHB 14, BJ 104, BK 506। मक्का में मंजरी, विक्रम, सोना, विजय, किसान प्रमुख उपलब्धियां। पादप प्रजनन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न लिखित है। फसलों का विकास। 2 गेहूं की बौनी किस्म, 3 धान की बौनी किस्म, 4 गन्ने का नोबलीकरण, 5 संकर मक्का, ज्वार व बाजरा, 6 संकर कपास।
पहला फसलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। आज की फसलों में पूर्वज वन पौधे थे, आज भी उन पौधों के वन संबंधित खरपतवारों के रूप में पाए जाते हैं। फसलों एवं उनके संबंधियों के लक्षणों या लक्षण प्ररूपों में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि सामान्यता वह विश्वास नहीं हो पाता कि फसलों का विकास इन्हीं वन खरपतवारों से हुआ है। फसलों को लक्षणों में ये परिवर्तन पादप प्रजनन के द्वारा ही हुए हैं। वैसे तो पादप प्रजनन की अनेकानेक उपलब्धियां हैं। यहाँ पर भारतवर्ष में हुई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां का ही संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। गेहूं की बौनी किस्म ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, बौनी धान किस्में का विकास भारती ही नहीं बल्कि विश्व कृषि की एक महान उपलब्धि है। गेहूं व धान बौनी किस्मों का कारण ही हरित क्रांति संभव हो सकी है। गेहूं की बौनी किस्म का विकास नॉर्मन बोलार्ग व उनके सहयोगी द्वारा मैक्सिको स्थित सीमित अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का सुधार केंद्र में किया गया। उन्होंने बौनेपन के जीन जापानी किस्म के नोरिन 10 से लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1963 में समित में कुछ विकसित बौने विभेदों का भारत में पूरा स्थापन किया। इन्हीं में से कल्याण सोना व सोनालिका का वर्ण किया गया। गेहूं के ये दोनों किस्में कल्याण सोना व सोनालिका 7वें दशक में भारत में गेहूं की सर्वाधिक लोकप्रिय किस्में थी। ये किस्में अधिक उपज देने वाली रोग रोधी उर्वरक अनुक्रिया तथा पतन रोधी थी। आज भारत में गेहूं की अधिकांश किस्में प्रकाश असंवेदी है, जिससे कि उनकी पश्चिमी बंगाल में भी उगाया जाता है। एक दूसरे से भिन्न जीन व लक्षण प्ररूपों वाली लाइनों या क्रमों को विभेद कहते हैं। जब कोई विभेद किसी किस्म विमोचन समिति द्वारा खेती के लिए विमोचित कर दिया जाता है तो उसे किस्म कहा जाता है। धान की बौनी किस्में ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, इस प्रकार धान की बौनी किस्मों का विकास भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इन किस्मों का विकास ओराइया सेटाइवा वार जपोनिका की जल्दी पकने वाली किस्म डी जीओ वी जेन के बौनेपन के जीन को उपयोग से हुआ है। ताइवान में विकसित ताई चुंग नेटिव 1 TN1 तथा फिलीपींस स्थित चावल IRRI अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ने विकसित IR8 इंटरनेशनल राइस 8 का 1966 में भारत में पूरा स्थापन किया गया। ये बौनी किस्में उर्वरक अनुक्रिया पतन रोधी एवं अधिक उपज देने वाली थी, अतः ये भारत में बहुत ही लोकप्रिय हुई। परंतु ये किस्में बैक्टीरिया पर शीर्णता ग्राही थी। परिणाम स्वरूप अब इनका अन्य स्थान या अन्य बौनी उन्नतशील एवं रोगरोधी किस्मों जैसे जया
रत्ना 88 आइया 36 आदि ने लिया है। एक इसमें प्रकाश असंवेदी भी है जिससे धान की खेती पंजाब में भी संभव हो सकी है। इसके साथ ही गेहूं और धान की नई किस्में अपेक्षाकृत जल्दी पकने वाली है जिससे किसान अब गेहूं धान फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपना रहे हैं। गन्ने का नोबलीकरण, गन्ने का नोबलीकरण भारतीय पादप प्रजनकों की एक महान उपलब्धि है। भारत में पाया जाने वाला गन्ना सेकेरम बारबेरी स्पीसीज का होता है। यह एक रोग एवं कीट रोधी तथा भारतीय जलवायु में अनुकूलित होता है, परंतु इसकी उपज तथा शर्करा अंश काफी कम होता है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधी नोबुल गन्ना सिकेरम ऑप्सी नेरम अधिक उपज तथा अधिक शर्करा अंश वाला होता है, परंतु यह रोग एवं वेंकट रमन ने नोबुल गन्ने का संकरण से सिकेरम बारबेरी सिकेरम स्पाइंटेनियम सिकेरम रोबस्टम आदि से किया। इन संकरणों से उन्होंने अधिक उपज एवं अधिक शर्करा अंश वाली रोग एवं कीट रोधी किस्मों का को विकास विकसित की जो भारतीय जलवायु में पूर्ण अनुकूलित है। इस प्रकार विकसित किस्मों का नोबलीकरण नोबलीकृत किस्में कहते हैं। एक किस्में नोबल गन्ने से औसतन 40% अधिक उपज देती है। आज भारत में उगाई जाने वाली गन्ने की सभी संस्कृति किस्में नोबलीकृत है। भविष्य की संभावनाएं, भूतकाल में पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग में मानव कल्याण में अभूतपूर्व योगदान किया। जंगली पौधों से आज भी विभिन्न फसलों का विकास पादप प्रजनन के कारण ही हो सका। आज की फसलों के लक्षणों में इनके पूर्वजों की तुलना में जो सुधार हुआ है वह अचरज भरा है, परंतु वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आज तक हुए सुधारे केवल एक झलक मात्र है और अभी इन फसलों के लक्षणों में असीमित सुधार किया जा सका। अतः ऐसा विश्वास है कि भविष्य में भी पादप प्रजनन द्वारा इन फसलों में लगातार सुधार किया जाता रहेगा जिससे मानव के लिए इनकी उपयोगिता में वृद्धि हुई। कम से कम रोग एवं कीट रोधी डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस किस्मों का विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पादप प्रजनन का योगदान सदैव ही अनिवार्य होगा। ऐसा होने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश रोगजनक पैथोजन तथा कई कीटरोधी किस्में रेजिस्टेंस वराइटीज को संक्रमित इन्फेक्ट करने वाले विभेद उत्पन्न करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश रोधी किस्में कुछ वर्षों बाद ग्राही हो जाते हैं। इसलिए लगातार नई रोग व रोग रोधी किस्मों का विकास एक अनिवार्य
आवश्यक है और यह आवश्यकता भविष्य में भी बनी रहेगी। थैंक यू।